गुड मॉर्निंग। पीए पार्ट थर्ड के लिए आज चर्चा करेंगे प्रगतिवाद के बारे में। हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के कालखंड में 1935-36 से 1947 के मध्य जो साहित्य लिखा गया उसे प्रगतिवाद के नाम से जानते हैं। प्रगतिवाद का पूर्व का जो युग है वो छायावादी युग है, जिसमें वायवी दुनिया में दार्शनिकता, रहस्यात्मकता इनके इर्द गिर्द प्रकृति के प्रति मानवीकरण, प्रेम इनकी ओर इर्द गिर्द साहित्य घूमता रहा है। लेकिन 1936 में मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर इन्होंने एक अधिवेशन बुलाया और उस अधिवेशन की जो अध्यक्षता सुमित्रा नंदन पंत ने की, दो अधिवेशन बुलाए उन्होंने 1936 में और 1938 में। एक की अध्यक्षता सुमित्रानंदन पंत करते हैं, एक की अध्यक्षता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला करते हैं। एक उस समय यह तय किया गया कि अब तक साहित्य साहित्य के लिए लिखा गया है, लेकिन अब एक ऐसा साहित्य लिखेंगे जो साहित्य समाज के लिए हो, जिस साहित्य से समाज की प्रगति हो उसे ही प्रगतिवादी साहित्य कहा गया। अब प्रगतिवादी साहित्य कौन सा है? सीधा सा यदि माने तो कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत है उसका साहित्यकरण जो है वो प्रगतिवाद है। कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को यदि साहित्य के रूप में देखें वो प्रगतिवाद है। तो इसे द्विवेदी छायावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप भी मान सकते हैं और इसे उस युग की आवश्यकता भी मान सकते हैं कि उस समय पूंजीवाद, सामंतवाद, साम्राज्य विस्तार ये जो भावनाएं थी बहुत बलवती थी, उनके विरोध में प्रगतिवादी साहित्य लिखा गया। वह मार्क्स का स्वप्न पूर्ण लेनिन की ठंडी छाती स्टालिन ने खूब संभाली साम्यवाद की छाती, इस तरह की प्रगतिवादी कवियों के लिए कहा गया। तो प्रगतिवादी जो साहित्य है, अब इसमें एक दो शब्द आते हैं प्रगतिवाद और प्रगतिशील। ऐसा मानते हैं कि जो प्रगति कर चुका है वो प्रगतिवादी साहित्य है, जो प्रगति कर रहा है वो प्रगतिशील है। इसको ज़्यादा विद्वानों ने, आलोचकों ने इसको कहा कि ये केवल बौद्धिक विलास है, ये दोनों एक ही प्रकार का साहित्य है, प्रगतिवाद और प्रगतिशील। तो प्रगतिवादी जो साहित्य है वो पूर्णतया साहित्य ऐसे साहित्य में विश्वास रखता है जिससे समाज उपयोगी हो, समाज की प्रगति हो, समाज के दीनहीन तिरस्कृत जो दरिद्र व्यक्ति हैं, जो ऐसा है निर्बल, उनके बारे में कुछ लिखा जाए। तो यदि इसकी विशेषताओं की बात करें, केदारनाथ सिमंगल सिंह सुमन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, ये मुख्य मुख्य कवि रहे। अब इन कवियों ने जो सामाजिक जीवन है उसकी यथार्थ अभिव्यक्ति की है। यथार्थ अभिव्यक्ति से मतलब कि अब तक साहित्य ज्यादातर साहित्य आदर्शवादी साहित्य लेकर आया कि ऐसा होना चाहिए, वो आदर्शवादी साहित्य। लेकिन चाहिए ये इसमें सत्यता नहीं है, ऐसा चाहिए वो दिमाग में एक 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 आदर्श स्थापित करते हैं कि ऐसा चाहिए, ऐसा जैसा है उसकी अभिव्यक्ति की प्रगतिवादी कवियों ने, कि समाज में जो जो घट रहा है, जो जो हकीकत है, जो 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 धरातल है उसकी अभिव्यक्ति करना चाहिए प्रगतिवादी कवियों ने। तो प्रगतिवादी जो साहित्य है वो पूर्णतया यथार्थ के धरातल पर टिका हुआ है, आदर्श के धरातल पर नहीं। वो सामाजिक जो अभिव्यक्ति है उसकी यथार्थ अभिव्यक्ति
किए, उन्होंने उसको आदर्श स्थापित करने का उनका उनके यहां सबसे पहले यथार्थ का चित्रण किया है। अब प्रगतिवादी जो साहित्य है, छायावादी साहित्य में सामाजिक समस्याओं को उन्होंने स्थान नहीं दिया, वहां साहित्य साहित्य के लिए है, कला कला के लिए है, लेकिन प्रगतिवादी कवि हर एक छोटी समस्याओं को लेकर सचेष्ट है, सावधान है, जागरूक है। कवि वो हर एक छोटी समस्याओं को साहित्य में स्थान देता है, हर एक छोटी समस्या को उसको सामाजिक समस्याओं से पूरी तरह सरोकार है, पूरी तरह वो सामाजिक समस्याओं को जिम्मेदारी से उठाता है। वो सच से यथार्थ से भागता हुआ दिखाई नहीं देता, पलायन करता हुआ दिखाई नहीं देता, वो समाज की हर एक छोटी बड़ी समस्याओं को सामने रखना चाहता है। कि आदर्शवादी साहित्य की जरूरत नहीं, जरूरत है पहले तो समाज के यथार्थ चित्रण की, यथार्थ समस्याओं की, जो वास्तविक समस्याएं हैं उनको साहित्य में स्थान दिया जाए। ये जो कवि है सामाजिक समस्याओं का यथार्थ चित्रण करते हैं, सामाजिक समस्याओं के प्रति जागरूक हैं, सचेष्ट हैं, ध्यान है, भोगाया उन्होंने। इसी तरह उस समय भारत में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता सेनानी संघर्षरत थे, तो उन संघर्षरत स्वतंत्रता सेनानियों को ये मोटिवेट भी करते हैं, उनको उत्साह प्रेरणा और उनमें जोश भरने का काम भी करते हैं। उनको समाज के साथ साथ राष्ट्र की भी चिंता है कि वो उनमें राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। अब समाज की एक इकाई मनुष्य होता है, उस हर मनुष्य की पीड़ा का चित्रण करना, सामाजिक समस्याओं को चित्रित करना, सामाजिक समस्याओं के साथ कवि चाहता है कि राष्ट्रीयता की जो भावना है, राष्ट्र के प्रति उसकी जो जिम्मेदारी है, उससे वो भागता नहीं है, वो उसको चित्रित करना चाहता है। कवि वर्ग चेतना, सामाजिक वैषम्य को स्पष्ट करना चाहता है। कार्ल मार्क्स ने कहा कि दुनिया में सिर्फ अमीर और गरीब, शोषक और शोषित दो ही जातियां हैं। वो दो वो शोषकों के प्रति प्रगतिवादी कवियों में जबरदस्त आक्रोश है, जबरदस्त। शोषक जो वर्ग है, सामंती जो वर्ग है, साम्राज्य विस्तारवादी भावना जो वर्ग है, पूंजीवादी जो वर्ग है, उसके प्रति उनमें जबरदस्त आक्रोश है। गांधी जी का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है उससे वो बहुत प्रभावित है। हाँ, वहां जाकर वो तो सामंतवादी व्यवस्था, साम्राज्य विस्तारवादी भावना, इन सब के ये खिलाफ है। और जो समाज दो उसमें बटा हुआ है, पूंजीवाद और समाजवाद, वो बात करते हैं हर एक व्यक्ति की, कुछ लोग संपत्ति पर अनैतिक तरीके से कब्जा जमाया हुआ, और इस वो चेतना चाहते हैं हर एक मनुष्य में, हर एक दीनहीन वर्ग में, एक हर एक शोषित वर्ग में, ये वो एक 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 चेतना चाहते हैं। इन सब में चेतना होनी ही चाहिए, तभी जाकर इनकी उन्नति संभव है, तभी जाकर हर एक समाज की समस्याओं को उठाते हैं, समाज की यथार्थता का चित्रण करते हैं, राष्ट्र के प्रति जो जिम्मेदारी उसकी पूरी तरह उसको निभाते हैं। अब ये जो कवि है, ये पूंजीवाद, सामंतवाद और साम्राज्य विस्तारवादी भावना के पूरी तरह खिलाफ है, पूंजीवाद को बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। छायावाद में व्यक्तिवाद का पूंजीवाद के प्रभाव के परिणाम स्वरूप है, जहां सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यता में अवशेष का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को छायावादी कवि स्वीकार करता है, और वो मैं शैली में अपनी बातों को, कवि ने पूंजीवादी व्यवस्था का आमूलचूल परिवर्तन चाहा है, संपत्ति पर सबका समान अधिकार हो,
साम्राज्य साम्राज्य विस्तारवादी भावना खत्म हो, सामंतवादी व्यवस्था पूरी तरह खत्म हो। जिनकी दासता की चेतना ही नष्ट हो गई है उनकी चेतना, नष्ट चेतना में चेतना जागृत की जावे, ये उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। आपको किल वर्षा पावक का प्रगतिवादी जो कवि है उसका पूर्णता जो दृष्टिकोण है वो मानवतावादी दृष्टिकोण है। उनका देश काल की सीमाओं से राष्ट्र के प्रति भावना है, लेकिन देश काल की सीमाओं से वो पूर्णतया बंधा हुआ नहीं है। वो विश्व के मजदूरों को, वो हर एक शोषक जो वर्ग है उसके खिलाफ है, चाहे वो देश का ही, जो शोषित वर्ग है उसके साथ है, चाहे वो कोई भी हो। तो दृष्टिकोण कौन सा, विश्व बंधुत्व की भावना एक 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 अलग बात हो जाती है, लेकिन दृष्टिकोण उनका पूर्णतया मानवतावादी है। उनके केंद्र में मानव है, मानव की समस्याएं हैं, मानव को किस तरह समस्याओं से मुक्ति मिले, किस तरह समस्याओं से छुटकारा प्राप्त हो, किस तरह समस्याओं से घिरा जो मनुष्य है वो आगे बढ़े। तो समस्याग्रस्त जो मनुष्य है उसका उद्धार चाहते हैं प्रगतिवादी कवि। तो प्रगतिवादी जो कवि हैं वो पूरी तरह चाहते हैं कि समाज जो मनुष्य की इकाई है, मानव की जो समस्याएं हैं उनसे मनुष्य को निजात मिले। अब ये जो कवि है इनको दक्यानुषी प्राचीन परंपराएं रूढ़िगत मान्यताएं इनमें इनका विश्वास नहीं, ये नास्तिक किस्म के कवि हैं। ईश्वर और धर्म के नाम पर इनको चिढ़ होती है, क्षोभ होता है, इनको दुख उत्पन्न होता है कि लोगों को ईश्वर और धर्म के नाम पर ठगा गया है। आज तक इतिहास में जितनी भी हत्याएं हुई हैं, जितनी भी लूटपाट हुई है, जितना भी मनुष्य लड़ा है, समाज में दरार हुई है, समाज दो गुटों में बटा है, बंटवारा हुआ है, और आपसी जो झगड़े हुए हैं, तनाव हुए हैं, हिंसा हुई है, उन सब में सबसे बड़ा जो कारण है वो धर्म है, जाति है। इतिहास में संपूर्ण इतिहास को उठा के देख लो आप, सबसे ज्यादा रक्तपात लूट हिंसा धर्म के नाम पर हुई है। ईश्वर के जो तथाकथित ठेकेदार बनते हैं उन्होंने उस समस्या को उत्पन्न किया है। तो प्रगतिवादी जो कवि हैं वो राम तुम ईश्वर हो, मानव नहीं हो क्या, कि उनकी मान्यता ये कि हे राम कि तुम ईश्वर मानव नहीं हो क्या, उनकी उनको चिढ़ क्यों है धर्म से ईश्वर से, क्योंकि इनको आड़ बनाकर धर्म और ईश्वर के जो ठेकेदार बनते हैं आड़ बनाकर उन समाज को ठगा गया है। और ऐसा जिस जिनको ठगा गया है, जो ठगे हुए महसूस करते हैं, उनको ये न्याय दिलाना चाहते हैं, ये समाज की उस यथार्थ धरातल पर बात करते हैं। इनको सबसे पहले उस गरीब को भोजन की आवश्यकता होती है, वो पूंजीपति की जो 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 उनकी आड़ में जो पूंजी को हड़प रहा है उसके प्रति इनमें आक्रोश है। शोषकों के प्रति प्रगतिवादी कवियों में जबरदस्त आक्रोश है, जबरदस्त आक्रोश है उनको, और शोषित सुपर के उनके प्रति उनमें बहुत ज्यादा सहानुभूति है। अब उनकी मान्यता है कि जो शोषक दीनहीन तिरस्कृत जो व्यक्ति है उनको धर्म और ईश्वर के नाम पर ज्यादा ठगा जा रहा है, उनको उनकी उनके दिमाग को वहीं तक सीमित किया जा रहा है, उनको आगे बढ़ने से ये चीजें रोक रही हैं, उनको पाप और पुण्य की परिभाषा देकर उनको रोका जा रहा है, उनको अनैतिकता का पाठ पढ़ाकर, अधार्मिकता का पाठ पढ़ाकर उनको तिरस्कृत किया जा रहा है, रोका जा रहा है, उनको टोका जा रहा है, उनको उनको उनको
ईश्वर और धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है, धर्म के ठेकेदारों द्वारा, ईश्वर के ठेकेदारों द्वारा। तो प्रगतिवादी जो साहित्य है वो पूर्णतया, प्रगतिवादी साहित्य पूर्णतया शोषकों के प्रति आक्रोश और शोषितों के प्रति सहानुभूति रखने वाला एक अद्भुत साहित्य है।